6th क्वेश्चन, प्रूव दैट इफ द बाइसेक्टर का मतलब होता है किसी भी एंगल को या किसी भी साइड को बीच से काटने वाला या बीच से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला, दो अलग अलग हिस्से में सेम हिस्से में बांटने वाला, उसको बोलते हैं बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। अब ये बाइसेक्टर किसका है, एंगल का है, कौन सा एंगल है, बी ए सी का। कैसे बनेगा, चलो ऐसे बनाते हैं हम लोग, ये है इसको हम ले लेंगे, इसको ले लेंगे बी, इसको ले लेंगे ए और इसको ले लेंगे हम सी। ठीक है, ये हमारा हो गया, इसका एक बाइसेक्टर बनाना है, यानी इसको बीच से डिवाइड करने वाला एक लाइन खींचना है, ये हमने खींच दिया, जो कि ट्राइंगल ए बी सी को बी सी पर काट रहा है, राइट। इसका नाम हम लोग कुछ एक दे देंगे, चलो डी दे दिया, ठीक है। प्रूव दैट इफ द बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी, बी ए सी का बाइसेक्टर है ए डी, दिस इज नॉट पी, दिस इज डी, ओके, ए डी बाइसेक्टर किसका हो गया, बी सी का हो गया, ठीक है। ये गिवन है, गिवन है मतलब ये क्वेश्चन में हमको दिया हुआ, अभी तक क्या प्रूव करना ये मैंने नहीं पढ़ा है, अभी तक मैंने यही पढ़ा कि क्वेश्चन में दिया क्या है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ट्राइंगल ए बी सी में जो बी ए सी, ये जो एंगल है, ये जो कोण है, ये वाला, ये एंगल को बी से डिवाइड कर रहा है ए डी इन इक्वल इक्वल पार्ट्स, ठीक है। नाउ इन लोगों ने ये तक बोला है कि परपेंडिकुलर टू बी सी है, कौन है परपेंडिकुलर टू बी सी, जो डिवाइड कर रहा है वो बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का नाम क्या है ए डी, और उसका परपेंडिकुलर किस पे है, वो बी सी पर, यानी कि कुछ ऐसा होता है, परपेंडिकुलर का साइन ऐसा होता है, मैंने आज ही सिखाया था तुम लोगों को कि परपेंडिकुलर का लाइन कुछ ऐसा होता है, हम इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखते कि हाँ ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ऐसा हम नहीं लिखते, तो परपेंडिकुलर का एक साइन है और परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री ही होगा। अब ये 90 डिग्री हमेशा होता है, परपेंडिकुलर जिधर भी आ गया लाइन ना, तब ये समझ लेना कि वो 90 डिग्री ही होगा। अभी परपेंडिकुलर टू बी सी है, क्या है ए डी है परपेंडिकुलर बी सी पर, तो ये 90 डिग्री ऑफकोर्स होगा, बट दिस इज ऑल्सो गिवन इन क्वेश्चन, तो ये सब कुछ हमारा गिवन में आने वाला है। अब प्रूफ क्या करना है, अब वो पढ़ेंगे, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हम लोग को कि ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेल ट्राइंगल। आइसोसेल ट्राइंगल कैसे प्रूफ होगा, जब तक कोई भी दो साइड इसका इक्वल नहीं हो जाता है तब तक ये प्रूफ नहीं होगा। तो लेट्स हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि एंगल ए बी में जो साइड, एंगल ए बी सी में जो साइड ए बी है और साइड ए सी है दोनों इक्वल है, हमको ये प्रूफ करना है। ओके, समझ में आ गया क्वेश्चन में क्या दिया है और हमको प्रूफ क्या करना है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान दो। क्वेश्चन में दिया है कि ट्राइंगल ए बी सी में जो एंगल बी ए सी है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, बीच से जो फाड़ रहा है अलग अलग, वो है ए डी। ओके, जो एंगल को दो इक्वल पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर रहा है, इक्वल मतलब बराबर हिस्से में बांट रहा है, वो है ए डी। लेकिन ये जो ए डी है वो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है बी सी पर, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट, गिवन से चालू करते हैं। गिवन हम लोग स्टार्ट करेंगे, कैसे करेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ओके, इसमें एंगल बी ए सी का बाइसेक्टर क्या है, ए डी, सेगमेंट ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, नाम गलत मत लिखना, जो एंगल को बाइसेक कर रहा है वो हमेशा बीच में होता है, बी ए सी ए बीच में, क्योंकि उसी को बीच से वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो बी ए सी आ जाएगा हमारा। ओके, अभी ये हमारा हो गया, नेक्स्ट हमें क्या लिखना है कि ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, लिख देंगे कि सेगमेंट ए डी इज परपेंडिकुलर का लाइन ऐसे रहता है, परपेंडिकुलर जिसको हिंदी में हम लंब बोलते हैं, अमन ध्यान देना, इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम इसको लंब बोलते हैं। ओके, लंब है, तो ये ए डी जो इसको हम लोगों ने बाइसेक्टर लिखा उसको तुम लिखना लंब समद्विभाजक है, लंब समद्वि भाजक, इसको ऐसे बोलते हैं। ओके, लंब समद्विभाजक ऐसे लिखेंगे कि भुजा ए डी
का लमसम द्विभाजक है, एक मिनट तो स्ट्रॉन्ग किया था मैंने, सेगमेंट ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल, सॉरी बाइसेक्टर ये नहीं, ये लमसम द्विभाजक ये है, सॉरी इसको बोल दो लमसम द्विभाजक, लंब है सेगमेंट ए डी, लंब है बी सी पर, दिस इज साइन, ओके ये मैंने अमन के लिए किया था पर खराब हो गया ऐसा लग रहा है, फिर से लिख दूँ क्या, सेगमेंट ए डी परपेंडिकुलर टू साइड बी सी, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग कैसे करेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे, हम लोग करेंगे टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो आइसोसेल ट्राइंगल है, राइट, ये प्रूफ करना है हमको, ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेल ट्राइंगल। कैसे करेंगे, अभी तो हमको पता चल गया है कि ये बीच से दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी कि एक ट्राइंगल इधर बन गया है और एक ट्राइंगल इधर बन गया है, और ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, फिर सेम मैंने अभी सिखाया था दो अंडे बनते हैं यहाँ पे, इसका मतलब है दोनों सेम है एंगल, तो वो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, उस वे में चालू करेंगे। देखो अभी ध्यान से ट्राइंगल देखना, हम लोग लिखेंगे दो पार्ट बना देंगे, दो ट्राइंगल बना देंगे, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी डी एंड इन ट्राइंगल ए सी डी, ऐसा दो ट्राइंगल बनाएंगे, इन ए डी सी लिखो या ए सी डी लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उल्टा फुल्टा नाम भी चलता है, डोंट वरी। अभी हम लोग इसमें स्टार्ट कैसे करेंगे, हम लोग स्टार्ट ऐसे करेंगे कुछ की इसमें हम लोगों को कुछ चाहिए जो हम लोग ने थ्री पॉइंट अभी तक पढ़े नहीं है, 3.2 उसमें तुम लोगों को मिलेगा ए ए टेस्ट, एस ए एस टेस्ट, एस 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 टेस्ट, ये जो टेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा टेस्ट बताऊंगी मैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग को सेम सेम क्या दिख रहे, देखो एक अंडे दिख रहे दोनों, यानी कि दोनों एंगल सेम है, यहाँ से एंगल का नाम कैसे लिखेंगे, वो जो एंगल है वो बीच में आना चाहिए, कैसे आएगा, बी ए डी, ध्यान से देखना, यहाँ से बी ए डी लिया है, यहाँ से हम एंगल लेंगे सी ए डी, तो कैसे लिखेंगे, एंगल बी ए डी इस कॉन्ग्रेंट लिखना है, कॉन्ग्रेंट हिंदी में इसको सर्वांगसम बोलते हैं, अमन ध्यान देना इसको सर्वांगसम बोलते हैं, कल मैं लिख के दे दूंगी वर्ड, और इसको लिखते हैं डी ए सी, तुम लोग सी ए डी लिखो, डी ए सी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये जो ए है ना वो बीच में आना चाहिए क्योंकि एंगल है, हम लोग लिखेंगे सी ए डी, ये हमारा क्या हुआ, बाइसेक्ट हो गया, तो दोनों का वैल्यू सेम है, गिवन है, क्वेश्चन में हम लोग को देखो गिवन में हमने लिखा हुआ है कि बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है मतलब दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा, तो हम लोग इधर डाल देंगे गिवन। नेक्स्ट, अभी इन दोनों ट्रायंगल में इसमें और इसमें ये जो लाइन है ये कॉमन है, ये जो लाइन है वो इस एंगल के अंदर भी आ रहा है, सॉरी ये ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है, और ये जो लाइन है वो इसके अंदर भी आ रहा है, यानी कि ये जो लाइन है ये कॉमन लाइन है, कॉमन साइड है दोनों में, तो दोनों बार सेम साइड लिखो, सेगमेंट, सेगमेंट साइड दोनों भी लिख सकते हो, सेगमेंट ए डी इज कॉमन, ओके कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट ए डी, दोनों एक ही नाम लिखना है क्योंकि ए डी इसमें भी आ रहा है और ये ए डी इसमें भी आ रहा है, तो ए डी दोनों में आ रहा है, तो सेगमेंट ए डी कॉन्ग्रेंट सेगमेंट ए डी, ये क्या लिखेंगे हम लोग, कॉमन है, कॉमन साइड लिख दो। अभी क्या बचा हमारे पास, हमको दो चीज मिल गया, एक एंगल मिल गया, एक साइड मिल गया, और एक एंगल मिल रहा है, देखो इधर भी 90 डिग्री दिख रहा है, इस ट्राइंगल में एक 90 डिग्री है, तो इस ट्राइंगल में भी एक 90 डिग्री है, दोनों के पास 90-90 है, लिख लो उसको भी, कैसे लिखेंगे, ये बीच में आना चाहिए, यानी कि डी बीच में आना चाहिए, तो तुम लोग ए डी बी लिखो, बी डी ए लिखो, फर्क नहीं पड़ता, बस ये जो डी है वो बीच में आना चाहिए, कैसे लिखेंगे, ए डी बी कॉन्ग्रेंट, एंगल फिर से लिखेंगे ए डी सी, अब उस तरफ का लिख देंगे, और लिखते टाइम पे लिखते हैं ईच, यानी ईच मतलब दोनों, हर एक प्रत्येक 90 डिग्री, दोनों भी है 90 डिग्री, ओके। अभी हमको क्या मिला, एंगल सेगमेंट एंगल, एंगल का ए लेना है, सेगमेंट का एस लेना है, फिर से एंगल का ए लेना है, एंगल सेगमेंट एंगल ए एस ए, हम लोग ऐसे लिखेंगे ट्राइंगल ए बी डी, ये जो ट्राइंगल का नाम हमने लिखा है ये दोनों का नाम लिखना है, बस एंड के जगह पे कॉन्ग्रेंट का साइन लगा देना और लिखना ट्राइंगल ए डी सी, और यहाँ पे कैसे लिखेंगे, एंगल साइड एंगल ए एस ए,
ASA टेस्ट। अभी इसका मतलब ये दोनों कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया ना, अब हम ये लाइन अपनी मर्जी से ले सकते हैं। जो हम लोग का फाइनली प्रूफ करना था, प्रूफ हमको करना था कि आइसोसेल ट्राइंगल है। आइसोसेल ट्राइंगल करने के लिए हम लोगों को दो साइड सेम चाहिए, तो ये एक साइड हम लोग सेम टू सेम ले लेंगे। तो लिख लेना है सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू, सॉरी सेगमेंट, दिस इज एस सेगमेंट ए सी। अगर कोई भी दो ट्राइंगल हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि वो इक्वल है, कॉन्ग्रेंट है, तो उसके बाद हम अपनी मर्जी से उन दोनों ट्राइंगल का कौन सा भी एंगल जो सेम टू सेम पोजीशन पे हो, या फिर कौन सा भी दो साइड जो सेम टू सेम पोजीशन पे है, जैसे इधर का ये लिया तो इधर का ये लेंगे, और इसमें लिखेंगे हम लोग सी एस सी टी। रिया ध्यान देना, सी एस सी टी का मतलब है हमने साइड लिया है। अगर हम इसमें एंगल लेते हैं, जैसे एंगल बी और एंगल सी, यहाँ पे अपनी मर्जी से लिखते हैं, हम अपनी मर्जी से लिख रहे हैं, क्वेश्चन का जैसा डिमांड रहेगा वो हिसाब से हम लिखेंगे। तो क्वेश्चन में हम लोग को आइसोसेल ट्राइंगल बनाने के लिए बोला है, तो हमको ये दोनों चाहिए था, इसलिए मैंने ये दोनों लिख लिया। अगर हमको ये दोनों पूछे होते तो हम ये दोनों लिखते। तो अभी हमने साइड लिखा है, इसके लिए यहाँ पे सी एस सी टी लिखना है। अगर हमने खुद से एंगल प्रूफ किया तो सी ए सी टी लिखेंगे। सेगमेंट लिया इसके लिए सी एस सी टी, अगर हम खुद की मर्जी से एंगल लेंगे तो सी ए सी टी लिखेंगे। फुल फॉर्म क्या है? कॉन्ग्रंट साइड ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। अगर एंगल होता तो कॉन्ग्रंट एंगल ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। प्रूफ हो गया दोनों साइड सेम है, हेंस योर फाइनल आंसर इज ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसो सेल ट्राइंगल। ओके, बहुत सिंपल वे में सिखाने की कोशिश करूँ, फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कल मुझसे पूछ सकते हो।